बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस CMH के हवाले से। मैक्सिमम मुझे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये CMH के एडमिशन कैसे होते हैं, CMH के एडमिशन कहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, पाकिस्तान में CMH हैं कितने, और CMH का एब्रीवेशन बेसिकली सबसे पहली बात बताने वाली ये है, CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल आर्मी का हॉस्पिटल है और आर्मी का मेडिकल कॉलेज है। और इस वक्त CMH में सबसे पहले CMH टॉप पे जो आ रहा है CMH लाहौर है, नंबर पे टू पे CMH रावलपिंडी है, नंबर थ्री पे हम बात करें CMH मुल्तान है, नंबर फोर पे CMH खारियां, नंबर फाइव पे CMH वाहकेंट है, फिर CMH भावलपुर आता है। इसी तरह हम बात करें जो आर्मी में आर्मी के साथ अटैच्ड इंस्टीट्यूट हैं उनमें फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर आती है, और इसके साथ अगर हम बात करें CMH कराची इसमें आता है, CMH पिशावर है, और इसके साथ मैं आप बात करूं तो क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस जो क्वेटा में मौजूद है वो भी आर्मी का है। इसके साथ जो पिछले साल एक नया मेडिकल कॉलेज बना था कराची में, फजाइया रतफा मेडिकल कॉलेज कराची, वो भी फैसल एयरबेस कराची में मौजूद है। ये वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नम्स के साथ एफिलेटेड है, नम्स के साथ एफिलेटेड है और आर्मी के ये हैं, आर्मी इनको रन करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेरिट कैसे बनता है, यहाँ पर 60% मार्क्स आपके मैट्रिक और FSC में होने चाहिए, और अगर हम बात करें तो MD कैट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और उसके साथ नम्स का अपना टेस्ट भी रिक्वायर्ड है और FSC भी। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहले मैं वो बता दूं, इस साल CMH है या फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी वाला सिर्फ एक ही है जो पब्लिक सेक्टर है जो आर्मी के अंदर आता है, उसका तो मेरिट वैसे ही हाई होता है, वो मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता के रखा हुआ है। तो इस वक्त एडमिशन जो ओपन हुए आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के और CMH जितने भी है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल उनके, उस हवाले से मैंने इसमें बताना है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें 50% MD कैट काउंट होगा और 25% नम्स का जो टेस्ट है वो काउंट होगा और 25% आपके FSC के मार्क्स काउंट होंगे। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया, इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के तहत आपका मेरिट बनेगा 2021 में। आप एडमिशन अप्लाई करने के लिए namspark.gov.pk की साइट पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, अपना पर्सनल डाटा फिल करने के बाद, एकेडमिक डाटा फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपने स्कैन करके उनके जो उन्होंने सजेस्ट किया हुआ साइज उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो बात बताने वाली है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, एक ही पोर्टल से अप्लाई होगा। आप आर्मी मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट अगर रावलपिंडी वाला करेंगे तो सिर्फ उसमें पब्लिक सेक्टर ही आपके लिए अप्लाई होगा। अगर आपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट उसमें आ रही है पूरी की पूरी एक, वो लिस्ट आपने सेलेक्ट करनी है, प्राइवेट का अलग से पोर्टल आ रहा है उसमें अप्लाई करना है, उसमें आपने प्राइवेट में BDS में अप्लाई करना अलग से होगा, प्राइवेट में MBBS में करना अलग से होगा, पब्लिक सेक्टर में MBBS में करना अलग से होगा, BDS में करना अलग से होगा। तो आपने उसमें अप्लाई करके कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी है अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट सेट करेंगे, फिर हर कॉलेज अपना मेरिट बनाएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो भी नम्स की साइट पे भी लगती है, कॉलेज की साइट पर भी लगती है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो कंसर्न कॉलेज जहां पे आपका नाम है, बिलफर्ज आपका लाहौर में नाम है तो आप लाहौर जो का CMH है वहां पर जाकर फीस जमा करवाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे। अब जहां तक फीस की बात है तो अगर CMH की हम बात करें तो CMH इस वक्त लाहौर का जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, यहाँ पर तकरीबन 16 लाख रुपए फीस है। इसी तरह मैं बात करूं बाकी जो है मुल्तान की भी तकरीबन 15 लाख रुपए फीस है, वाहकेंट और खारियां की भी 15 लाख रुपए फीस है, अगर रावलपिंडी की बात करें वहां भी इतनी है, CMH जो क्वेटा वाला है उसकी बात करें वहां पर भी 14 से 15 लाख है। इस वक्त जो अगर सस्ता है थोड़ा सा और जो स्टूडेंट्स के लिए मुनासिब भी है वो CMH भावलपुर है, जिसमें अगर किसी का मेरिट भी कम है वहाँ हो जाता है और कम पैसे में भी हो जाता है, वो है 10 से 12 लाख रुपए फीस है। आप CMH भावलपुर में कम पैसों पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका CMH के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।